तो उन लोगों ने बोला कि बस पी के गिरे हुए हैं। लोगों ने नहीं बोला है, किसने पकड़ लिया? सिक्योरिटी ने बोला है। दो लोग थे, सिक्योरिटी ने बोला है, किसी लोग ने नहीं बोला है। मैं रुकी हूँ, मेरे साथ एक लैब वाला था, मेरे ही साथ काम करता है ये सिटी डिपार्टमेंट में, वो लैब वाला था और उन्हीं के हेड थे। उन्होंने अपनी कार रोकी है, वो पूछ रहे हैं वो आदमी किसी और में कितनी इनसेंसिटिविटी है कि कोई किसी को देखने के लिए, कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए यार, कि कोई मर रहा है या जी रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक चीज और रियलाइज जबकि हुआ सुप्रीम मुझे, कोर्ट ने ये भी बोल रखा है कि आप कोई भी पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, फिर भी लोग नहीं जाते डर के मारे। नहीं एक और चीज़ आज समझ में आई मुझे कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपके जूते अच्छे हैं, आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, तो बेशक आपको कोई भी देखने आएगा, मतलब आपको खरोच भी लग जाएगी, ओ आपको कुछ हुआ तो नहीं टाइप, और कोई गरीब इंसान है बेहोश हो गया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो गरीब है इसलिए। ये तो गलत है ना। सच में उसके बाद उस आदमी का क्या हुआ फिर? तो क्या बन रहा है? मैगी मैगी बन रहा है। हाँ तो क्या हुआ आज दुकान पे, क्या हो गया? कुछ नहीं, मम्मी यहाँ से मैं आ रही थी हाँ। तो बात कर रही थी और देखा नहीं पीछे पुलिस वाले आ रहे थे, दुकान पास में, तो मैं मास्क भी नहीं लगाया था पीछे से पुलिस वाला आया, दुकान गली में ठीक है तो इसलिए हम लॉ नहीं तोड़ रहे थे हाँ। बात निकाल, बात सो निकाल, बात सो सामान बेच रहा ठीक है मैं फोन पे थी, मैंने पटाख से ऐसे मुड़ी और मैं घर के तरफ, मैंने पीछे पलट के भी नहीं देखा पुलिस वाला किसको क्या बोल रहा है। अच्छा लगा, नया ड्रा, नया कुछ रोमांचक टाइप किया हुआ था दुकान वाले ने, जो एक डिस्टेंस मेंटेन वाला होता है वो नहीं किया हुआ था। अच्छा इसलिए पुलिस ने बोला, वो पुलिस अच्छा। ने बोला ठीक है नीचे से दौड़ के आए हैं, अभी टाइम लगेगा, अभी पानी चाहिए। पानी क्या घर पे काम नहीं करा मतलब? अरे बिना मास्क के बाहर जाने का काम। हाँ बिना मास्क के घर बाहर नहीं जाने। अच्छा बिकॉज मैंने रूल नहीं तोड़ा, मैंने बोला क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। कढ़ाई में खाना है? हाँ कढ़ाई में खाना है। कौन बोलता है ऐसे? मतलब अभी कैमरा ऑन के तो बस नहीं बोल रहे हो, अब बोलो बोलो, अब क्या बोल रहे थे? कढ़ाई में खाए मतलब ये 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 थाली किस लिए रखा है? हम किस लिए रखा है ये सब थाली? ये देखो यहाँ थाली, सॉरी यहाँ थाली नहीं, यहाँ अभी हम साफ करके रखे थे ना थाली, ये किस लिए रखा है बताओ? जो लोग थाली में खाएंगे सब कढ़ाई में खाएंगे हम, ये कोई तरीका है? कढ़ाई में खाया जाता है खाना? हाँ कढ़ाई में खाना खाया जाता है बताओ। अच्छा खाते हैं आप लोग? खाते हैं, जरा बताना तो बताओ। टाइम में तो पैसे से तो बढ़ गए, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। लाओ हम झाड़ू लगा देते हैं ठीक है, तो होता है कई लोगों को। लगे रहते हैं जॉब में ही, तो बस हफ्ते के एंड में ही मौका मिलता है वीडियो अपलोड कर सकें, ब्लॉग मतलब, वैसे तो मैं वीडियो रोज़ ही अपलोड करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले हफ्ते, तक इंतज़ार करो एक दूसरे ब्लॉग का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।